पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्रीलंका में हुए बम विस्फोट के बाद पूरे विश्व में एक अलग रूप उत्पन्न हो रहा है, साथ ही सभी गम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के चर्च में बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि जगह जगह लोग अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ आज फ्रीडम फाइटर संगठन की ओर से श्रीलंका में मारे गए ईसाई समाज के लोगों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में फ्रीडम फाइटर के संगठन के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बहुत ही दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ में हमारे देश के एक बहुत बुरी शाम आज हम लोग यादगार के तौर पे एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रीलंका में मारे गए सभी क्रिश्चियंस ईसाई भाई बहनों के लिए और उन सभी मासूम बच्चों के लिए। हम लोग आज की शाम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी इस देश की जनता से और इस सरकार से सभी से ये प्रार्थना है कि हम सब लोगों के साथ में शामिल होकर के सच्चे दिल से इस श्रद्धांजलि के लिए हम सबका साथ दें। मैं चाहता हूँ कि ये जो मानवता के नफा किसी धर्म पे नहीं हुआ है, सिर्फ मानवता के, क्योंकि सबसे पहले इंसान धरती पे जन्म लेता है एक मानव के, या किसी सब जाति धर्म से कुछ नहीं होता है। और इस आतंकवादी की हम घोर निंदा करते हैं और सर्व समाज से और हमने भारतीय सरकार से भी कहते हैं कि इस आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर से कार्रवाई की जाए और उनके जो परिवार है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जो मरे व्यक्ति हैं उनकी श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को हिम्मत हौसले की कामना के साथ हम करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम पुरजोर लड़ाई के संघर्ष में शामिल।